विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नासिक के 37 वर्षीय संदीप विश्राम घोले किसान हैं। नासिक में प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उन्होंने देखा कि प्याज में बैंगनी धब्बों का फंगस रोग बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा ये होता है कि साल दर साल उत्पादन में गिरावट आ रही है। इससे किसानों की आय घट रही है। संदीप स्नातक तक शिक्षित हैं। उन्होंने प्याज की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास शुरू किए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर उगाई जा रही प्याज की किस्मों में सुधार के उपाय शुरू किए। इसके लिए उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए प्याज की स्थानीय किस्मों में एक के बाद एक कई बदलाव किए और अंततः 2016 में उन्हें एक नई किस्म बनाने में सफलता हासिल हुई। नई किस्म में वो कई सुधार करने में कामयाब रहे। एक, इसमें प्याज के पत्तों पर बैंगनी धब्बों के रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पाई गई, यानी प्याज की इस किस्म में ये रोग होने की संभावना ही नहीं है। दूसरा, इस प्याज का रंग हल्का लाल है। तीसरा, ये प्याज ज्यादा दिनों तक सुरक्षित भी रहती है। उन्होंने इस किस्म को नाम दिया संदीप प्याज। मेरी ये वैरायटी का नाम है संदीप प्याज। मैंने उसको पुना फोर्सिंग की वैरायटी से दिया है। मैंने उसका सिलेक्शन 2007 में शुरू किया है। अब 2016 तक उसका सिलेक्शन चालू है। अब उसका सिलेक्शन हो चुका है। वो वैरायटी बहुत अच्छी है और 6 महीने तक हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं। संदीप प्याज में और भी कई गुण पाए जाते हैं। ये जल्दी तैयार होती है। प्याज का आकार बड़ा है। इसके पत्ते भी बड़े आकार के होते हैं। इसके चलते प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बढ़कर 42 से 45 टन तक पहुंच गया। संदीप प्याज की जांच डॉक्टर बाला साहेब सामवंत कोंकण कृषि विद्यापीठ में की गई। वैज्ञानिकों ने इसे प्याज की मौजूदा किस्मों से हर मामले में बेहतर पाया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने इस किस्म को अन्य किसानों तक पहुँचाने में मदद की। उन्होंने राजस्थान और महाराष्ट्र में किसानों तक इसे पहुँचाया, जिसके शानदार नतीजे रहे। सिर्फ 3 सालों में ही ये किस्म महाराष्ट्र, राजस्थान के साथ साथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी लोकप्रिय हो गई और 750 किलोग्राम बीज की खपत हुई। NIF ने इस नवाचार के लिए संदीप को 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया।